गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम ट्रांसपोर्टेशन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, आज उसी में हमने सेकंड मेथड करना है, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कर लिया था, आज ये सेकंड मेथड हम करेंगे, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ठीक है, बेसिकली इसमें हमने करना क्या है, जब हमने असाइन करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लांट्स दिए हुए हैं और वेयर हाउस दिए हुए हैं। ठीक है, प्लांट से हमने वेयर हाउस में सामान पहुँचाना है, यानी कि सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, हमने पहले देखना है ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, देन इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 20 + 28 + 17 ये बनता है 65। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी कितना बनता है 65, 25 + 19 + 21 अगर यहाँ पे इक्वल नहीं बनता देन हमें डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना पड़ता। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन में, लोएस्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, हमने इसमें से पहले देखना है सबसे लोएस्ट कॉस्ट क्या होगी हमारी। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर हम यहाँ से देखें, इसमें से सबसे लोएस्ट कौन सा नंबर है, 3। ठीक है, 3 नंबर है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, 3 के अगर यहाँ पे देखें, हमें डिमांड कितने की है, 19 की। अगर इधर देखें सप्लाई कितनी है, 28 की। बट हमें अब यहाँ पे इस कॉलम में हम कितने तक लगा सकते हैं, मैक्सिमम 19 तक। सो हमने 3 के आगे 19 के सर्कल करके लिख देना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कॉलम चला गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा 19 के 19 हमने कर दिए। इसके बाद अगर हम इसके 3 के आगे देखें, 3 से बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 4। 4 पे अगर बात करें, यहाँ पे 17 की सप्लाई है बट डिमांड कितनी है, 21 की। तो हमारे पास 17 ही अवेलेबल है इस टाइम, तो हमने 17 यहाँ पे लिख देना है। 17 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली रो में 17 चाहिए थे तो ये भी हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं हमने साइन करना है। देन इसके बाद बात करें, 4 के बाद बड़ा कौन सा नंबर है, 5। 5 में अगर हम देखें, ये देखिए 17 तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे कितनी ज़रूरत है, 21 की। 17 अगर 21 में से लेस करें तो कितना बचता है हमारे पास, 4। तो 4 हमने यहाँ पे कर दिया, यानी कि ये कॉलम भी पूरा हो गया, 17 + 4 = 21। इसी तरह से ये 19 वाला ये भी हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 5 के बाद हमारा इससे बड़ा नंबर कौन सा है, हमने ये भी कर दिया साइन, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। ठीक है, 5 के बाद हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, ये 5 को अभी साइन नहीं करेंगे क्योंकि सेम था, हमने ये वाला कर दिया साइन, 6 है। अब 6 में अगर देखें, हमारे पास सप्लाई कितने की, 20 की, बट डिमांड कितनी है, 25 की। बट हमारी जो सप्लाई है वो 20 की है, सो इसलिए हम मैक्सिमम 20 ही यहाँ पे कर सकते हैं, तो 20 यहाँ पे हमने कर दिया, 20 सर्कल करके लिख दिया। सो ये भी रो और चलेगी। ठीक है, इस रो में भी पूरा हो गया 20। अब हम देखेंगे कि किस पे टोटल कम है। अगर यहाँ पे देखें, ये बचा है 6 के बाद इससे बड़ा कौन सा है, 7। तो 7 में हम देखेंगे, ये नीचे 25 था अवेलेबल, यहाँ पे 28 था। ठीक है, बट हमने 25 में से 20 साइन किया था, अभी रिमेनिंग हमारा 5 बचा हुआ है, तो हम 5 यहाँ पे 7 के साथ सर्कल करके देख लेंगे और फिर बाद में हम देखेंगे इसका टोटल क्या 28 बन रहा है। 4 + 5 = 9 9 + 19 = 28। ठीक है, तो इसका मतलब ये 28 पूरा बन रहा है। इसी तरह हम देखें, 20 बन रहा है यहाँ पे, 20 ये सर्कल है तो इसलिए ये 20 बन गया। इसी तरह 17 भी टोटल बन रहा है। अगर हम बात करें इस साइड की कॉलम की, 21 ये बन रहा है, 17 + 4 = 21। इसी तरह 20 + 5 = 25 19 बन गया। ठीक है, सो इसी तरह से हमने टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है, जहाँ जो जो सेल्स में हमने जो है सर्कल किए हैं, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे 6 × 20 हो गया, इसी तरह से 5 × 4 हो गया, 7 × 5 हो गया, 3 × 19 हो गया, 4 × 17 हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ हमने सर्कल डाल के असाइनमेंट की है, हमने वहीं पे देख लेना, देन इसको मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड कर देना, हमारी जो है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सभी को ऐड करके कितनी बनती है, 300 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और हमने मेथड कौन सा यूज़ किया था, लोएस्ट कॉस्ट मेथड। सो बेसिकली लोएस्ट कॉस्ट मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम सबसे लोएस्ट जो है एलिमेंट देखते हैं कौन सा है, उसको हम असाइन करते हैं, देन उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम करते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह से हमने लोएस्ट कॉस्ट मेथड के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक बार आप इसे करके देख लेना, अगर कोई भी डाउट हो देन पूछ लेना, इसकी एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना ये मेथड की, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।